बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थिन स्फीयर को पढ़ने वाले हैं। थिन स्फीयर में स्ट्रेस वगैरह किस प्रकार से काम करता है, इससे पहले हम लोगों ने सिलेंडर में देखा था, थिन सिलेंडर में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं अभिनंदन कुमार आजाद, और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। देखिए स्फीयर और सिलेंडर में क्या अंतर है, तथा इसमें स्फीयर में जो होता है वो चारों तरफ से एक जैसा स्थिति होता है। तथा एक जैसी स्थिति होगी तो मैंने एक से तो ऐसे तो जनरल फॉर्मूला आपको पढ़ा ही दिया था कि कोई भी कर्व सरफेस है उसमें ये वाला फॉर्मूला तो आपका लगेगा ही है, लगेगा सिग्मा वाई आर वन प्लस सिग्मा टू वाई आर टू इक्वल टू पी वाई टी। यानी दोनों डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन का अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो उसी डायरेक्शन का आप रेडियस भी लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इक्वल टू पी वाई टी। पी प्रेशर है, टी उसका थिकनेस है। यहाँ पे स्फीयर में बहुत अच्छा बात ये हो जाता है कि रेडियस दोनों तरफ सेम होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है। दोनों जगह हमने आर आर रख दिया है और दोनों जगह सिमिलेट्री है, तो जाहिर सी बात है कोई रीजन ही नहीं है कि दोनों तरफ स्ट्रेस अलग अलग रहे। सिग्मा वन सिग्मा टू भी हमने सिग्मा ही ले रखा है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बदल गया, सिग्मा बाई आर प्लस सिग्मा बाई आर इक्वल टू पी बाई टी। अब जोड़ जोड़ करेंगे इसको, हम लोग जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में बदल जाएगा, सिग्मा इक्वल टू पी आर बाई टू टी, ठीक है। इसको याद रखना है, ये बता रहा है आपको ये है आपका आइसोट्रोपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, हर तरफ एक जैसा स्ट्रेस है तो हम बोल रहे हैं इसको आइसोट्रोपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम शियर स्ट्रेस की बात करें तो शियर स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम बाय डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे सिग्मा वन और सिग्मा टू दोनों को दोनों सेम है, सेम है, दोनों को घटाओगे तो भैया कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार का शियर स्ट्रेस की बातें नहीं आएगी क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाओगे आपको टेंसाइल स्ट्रेस दिखेगा, शियर स्ट्रेस नहीं दिखेगा, ठीक है, गोल गोल होने के कारण, ठीक है। सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन मैंने बता ही रखा है, सिग्मा मैक्स आपको यही है, सिग्मा मीन आपका जीरो है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए डायरेक्शन तीन होती हैं, सिग्मा वन एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन जो डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन होते हैं। तो सिग्मा वन तो हम लोग सेम सेम कर रहे हैं, सिग्मा टू भी सेम है, सिग्मा थ्री जो है वो जीरो है, ध्यान रखने वाली बात है, सिग्मा तीन जो है वो जीरो है, ठीक है। तो सिग्मा तीन अगर जीरो भैया तो हमको ये बताइए कि सिग्मा मैक्स में आपने सिग्मा माइनस सिग्मा टू का ही कर दिया, जीरो का ही कर दिया भाई, सिग्मा मीन तो ये जीरो हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं प्लेन की बातें कर रहा हूँ क्योंकि जनरली क्वेश्चन इन प्लेन पूछा जाता है। अगर प्लेन प्लेन मतलब जो स्फीयर है जिस प्लेन में, उसी प्लेन में पूछा जाता है। अगर आउट ऑफ प्लेन पूछे यानी कि ऐसी जनरल पूछे कि शियर स्ट्रेस कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में बताइए कि शियर स्ट्रेस है कितना, क्योंकि शियर स्ट्रेस जनरली अगर आप बात करें, शियर का मतलब क्या होता है, शियर का मतलब ये होता है किसी प्लेन में किसी प्लेन को खिसकाना यानी फिसलाने की कोशिश करना, शियर करना, शियर करना। लेकिन अगर प्लेन के किसी और डायरेक्शन में है तो उस शेयर का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, उसकी बात करने का। लेकिन अगर पूछ दे, ठीक है, तो आप अगर आउट ऑफ प्लेन निकालते हो, अगर आप आउट ऑफ प्लेन निकालते हो तो भैया सिग्मा मैक्स ये है इन दोनों में से कोई भी एक, और सिग्मा मीन जीरो है। और अगर डिवाइडेड बाई टू करोगे, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन डिवाइडेड बाई टू करोगे तो फॉर्मूला आपका कुछ ये वाला बन के आएगा, पी आर बाई फोर्टी। आउट ऑफ प्लेन की बातें करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन के आएगा, ध्यान रखना है इसको, घबराना नहीं है। अब लोग स्ट्रेन की बातें करते हैं कि स्ट्रेन बताइए, तो भैया यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू दोनों बराबर होगा, और इसको मैं एप्सिलॉन बोल देता हूँ। फॉर्मूला आपको पता ही है, पी आर बाई टू ई टी इंटू वन माइनस म्यू, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ दे तो भैया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन बराबर है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थ्री इंटू स्पायर हो जाएगा, तीन से गुणा कर देना है आपको, बस तीन को से जैसे गुणा करेंगे आपको फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ईएससी के एग्जाम में, जानते हो गेट तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता नहीं है, वो तो एप्लीकेशन पूछता है फॉर्मूला का, तो उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले को। चलिए अगला है, कहता है थिन सिलेंडर विद हेमी स्फेरिकल एंड, कहता है कि आपने देखा होगा टैंकर वंकर, टैंकर में क्या होता है भाई, कहता सिलेंड्रिकल तो होता है पर उसका एंड जो होता है वो हेमी स्फेरिकल होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या आएगा स्ट्रेस वगैरह उसकी बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हम मान के चल रहे हैं कि सिलेंडर और स्फीयर दोनों के रेडियस में अगर चेंजेस वगैरह आएगा तो
तो सेम आएगा। हम ये भी मान रहे हैं कि जो स्ट्रेन आएगा वो चाहे सिलेंडर हो या स्फीयर हो, दोनों के लिए सेम आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा है भाई, नहीं आएगा अगर दोनों में सेम यार, तो दोनों ब्रेक कर जाएगा ना, ब्रेक कर जाएगा, ज्वाइनिंग है दोनों में, अगर सेम नहीं है स्ट्रेन आएगा तो ब्रेक कर जाएगा। तो कहता है कि अगर दोनों सेम है तो दोनों का फॉर्मूला लिखो, सिलेंडर वाला और स्फीयर वाला, किसका है? तो कहता है आपको स्ट्रेन वाला फॉर्मूला लिखना है। तो स्ट्रेन वाला हमने दोनों के लिए फॉर्मूला लिखा है, सिलेंडर के लिए भी और स्फीयर के लिए भी, दोनों का खट्टम कुट्टम किया है। हो सकता है थिकनेस दोनों का अलग अलग हो सकता है, सेम हो, ठीक है, सेम थिकनेस हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि अलग अलग थिकनेस है, सेम रहेगा तब की बात है, बारे में हम तब देखेंगे, ठीक है। मटेरियल लेकिन सेम है, मटेरियल सेम है तो आप साइल भी दोनों का, सॉरी म्यू भी दोनों का सेम होगा, पॉइजन रेशियो म्यू भी दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सबको खट्टम कुट्टम करते हैं, पी से पी कट गया, ठीक है, दो से दो कट गया, आर से आर भी निपट गया, ई से ई निपट गया। तो जो भाई टी वन बाई टू टू या टी टू बाई टी वन जो आता है वो फॉर्मूला इस प्रकार से आता है, वन बाई माइनस म्यू डिवाइडेड बाई टू माइनस म्यू। अगर तो आप चाहते हैं कि ब्रेक ना करें तो आपको कुछ इस प्रकार से डिजाइन करना है कि दोनों के थिकनेस का रेशियो, ठीक है, स्फीयर का और सिलेंडर के थिकनेस का रेशियो जो है वो इस रेशियो में रहे, ठीक है। जब बताइए किसका थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए, स्फीयर का, जिसको देख के क्या समझ में आ रहा है, ऊपर वाली क्वांटिटी देखो भाई कम है, नीचे वाली क्वांटिटी ज़्यादा दिख रहा होगा तुमको, नीचे वाली क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी कि ये टी वन जो है वो कुछ ज़्यादा है और टी टू को जो है वो कुछ कम है, यानी स्फीयर का थिकनेस कुछ कम है और सिलेंडर का थिकनेस कुछ ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं, अगर आपको स्फीयर का एप्साइल यानी कि स्ट्रेन निकालना नहीं आया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, सिग्मा वन बाई ई माइनस म्यू सिग्मा टू बाई ई, ठीक है। सिग्मा वन के वैल्यू रखिए पी आर बाई टू टी इंटू ई माइनस म्यू पी आर डिवाइडेड बाई टू टी डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। अब इसमें से कॉमन तॉमन लेंगे तो आपको ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप बस आपको जाना है सिग्मा वन और सिग्मा टू बाई स्फीयर में क्या होता है, सेम होता है, तो सेम वैल्यू उसका दे देना है बस, ऐसा कुछ करना नहीं है उसमें, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो ये सब थोड़ा सा हमारा ये कम इम्पॉर्टेंट था, ऐसा नहीं कि नहीं आता, कम आता है, ठीक है। तो ये कम आता है लेकिन ये थ्योरी ऑफ फेलियर जो है वो हर वक्त आएगा ही आएगा, ठीक है, हर जगह आएगा, चाहे गेट हो, ए सी हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाओगे तो वहाँ पर थ्योरी ऑफ फेलियर तो भैया आने वाला है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को या चैनल जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊँ, ऐड करूँ, अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। फिर बाद में आपको याद नहीं रहेगा तो उसको कर दीजिए, ठीक है, फिर भूल जाओगे, ढूंढते रह जाओगे जरूरत पर, भाई सब्सक्राइब करने में जाता क्या है, ठीक है। नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आता है तो ऐसा नहीं है, जब फेसबुक व्हाट्सअप से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं आएगा इसका, ठीक है। अगर चैनल को ढंग से सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो भैया आपको फेसबुक व्हाट्सएप पे जितना नोटिफिकेशन आप पाता है, जितना डिस्टर्बेंस होता है, उतना डिस्टर्बेंस ये यूट्यूब नहीं करेगा आपको, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।